हम आपको बता दें कि हरियाणा राज्य से एक स्कॉलरशिप एग्जाम को लेकर बहुत ही बड़ी खबर सामने आ रही है। यदुवंशी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के चेयरमैन श्री राव बहादुर सिंह जी द्वारा पूरे 31 करोड़ जी हां पूरे 31 करोड़ की स्कॉलरशिप की घोषणा की गई है। वहीं यदुवंशी ग्रुप के डायरेक्टर श्री विजय सिंह ने बताया कि इस स्कॉलरशिप स्कीम के तहत न केवल राज्य से बल्कि पूरे भारतवर्ष से मेधावी छात्र एवं छात्राएं बिल्कुल मुफ्त शिक्षा प्राप्त कर सकेंगे और एनटीएससी की तैयारी कर रहे 9th एवं 10th के बच्चों के लिए यदुवंशी हूबहू एनटीएससी लेवल की परीक्षा का आयोजन करवाने जा रहा है। गौरतलब है कि इस बार एनटीएससी की परीक्षा कुछ कारणों से नहीं हो पाई, तो यकीनन एनटीएससी की तैयारी कर रहे बच्चों के लिए इस एग्जाम को एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी के तौर पर देखा जा रहा है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यह स्कॉलरशिप परीक्षा दो चरणों में आयोजित होनी है। फेज वन जो कि ऑनलाइन एग्जाम है 8 जनवरी रविवार के दिन तथा फेज टू जो कि ऑफलाइन एग्जाम है 22 जनवरी रविवार के दिन आयोजित होना है। इस स्कॉलरशिप परीक्षा के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 6 जनवरी है और इस स्कॉलरशिप परीक्षा के लिए आप रजिस्ट्रेशन www.yadwansigroup.edu.in पर कर सकते हैं या फिर दिए गए QR कोड स्कैन करके भी आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। आपको पुनः बता दें कि रजिस्ट्रेशन के लिए लास्ट डेट 6 जनवरी रहेगी और रजिस्ट्रेशन केवल ऑनलाइन ही कर सकते हैं। तो अब आइए सुनते हैं क्या कहना है यदुवंशी ग्रुप के चेयरमैन राव बहादुर सिंह जी का। जिस प्रकार से लगातार आप स्कॉलरशिप टेस्ट करवाते हैं, अब की बार भी एक बड़ा रिकॉर्ड बनाने की बात हो रही है, करोड़ों की बातें हो रही हैं, क्या कुछ है अब की बार का? जहां तक स्कॉलरशिप की बात है वो हम हर साल करते हैं, बल्कि हरियाणा गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट भी पीछे स्कॉलरशिप निकालती थी एनटीएससी की मैट्रिक क्लास की और वो पेपर लेती थी, उस आधार पर बच्चों को वो भी स्कॉलरशिप देते थे, हम भी उन बच्चों को फ्री करने का काम करते थे। लेकिन अब की बार सरकार ने जो एनटीएससी का पेपर होना था उसको बंद कर दिया, इसलिए मैंने समझा कि क्यों नहीं हम अपने लेवल पर पूरे देश में पूरे प्रदेश में अब की बार हम अपना स्कॉलरशिप टेस्ट लेने का काम करें और अच्छी जो बच्चे अच्छे हैं उनको किसी न किसी प्रकार से हम अपनी तरफ से उनको ऐसी स्कॉलरशिप दें जिससे बच्चे आगे और तरक्की करें। सर बताया जा रहा है कि पूरी तरीके से पूरी फीस माफ कर दी जाएगी जिस बच्चे ने अच्छा क्वालिफाई किया। अगर बच्चा ने अच्छे किसी प्रकार से उन्होंने हमारा टेस्ट क्लियर किया तो इसमें कोई दो राय नहीं, उस बच्चे की पूर्णतया फीस माफ रहेगी। तो 31 करोड़ रुपए की धनराशि बताई जा रही है स्कॉलरशिप। मैं जहाँ तक इन्होंने शायद फड़ाने में कहीं गलती की है, नहीं मेरे जहाँ तक के मैं आखिरी आपको डाटा दूंगा, मेरी ये स्कॉलरशिप तकरीबन 51 करोड़ पर जाएगी। मतलब बच्चों को शिक्षा के लिए अपनी जेब से 51 करोड़ रुपए खर्च करना एक बहुत बड़ी बात है। नहीं मैं खैर ये तो नहीं कह सकता कि मैं अपने पास से खर्च करता हूँ, इन्हीं बच्चों के पैसे हैं और बच्चों के पैसे जब हमारे पास मांगते हैं तो हम अगर 20% बच्चे फ्री में पढ़ा देंगे तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि ऐसी कोई बात नहीं जिससे मुझे कोई पैसे की ज़्यादा जरूरत हो, क्योंकि जो मेरा जो दातित्व था वो मैंने पूरा कर लिया। एक आदमी क्या एक तो मकान और एक अपने बच्चों की शादी कर लेता फ्री हो जाता है, तो मैं हर चीज़ से फ्री हूँ, इसलिए मैं जहाँ तक होगा संभव होगा मैं इस इलाके की सेवा करने का। सर जिस प्रकार से आए दिन पता चलता है कि कहीं स्कूल खोला गया यदुवंशी कहीं खोला गया, अब की बार कनीना में बताया जा रहा है कि बड़ा प्रोग्राम किया जा रहा है स्कूल के उद्घाटन का, तो वो किस प्रकार से क्या रहेगा? वो जिस प्रकार से पीछे हमने 15 अगस्त को आपके दादरी में मंदोला में एक बहुत बड़ा प्रोग्राम किया था, वहाँ भी हमने एक अपना स्कूल नया बनाया था, उद्घाटन करवाया था, अब की बार हमने कनेडा में नया स्कूल और बनाया और उस स्कूल का उद्घाटन भी कोई और नहीं अपने मैं ये कहूँ कि दीपेंद्र MP दीपेंद्र की माता श्री आशा उड़ा हमारी बहन और अध्यक्षता हमारी पूर्व में शिक्षा मंत्री हालिया झज्जर विधायक अध्यक्षता करेगी और बड़ा जोर शोर से मैं ये भी कह सकता हूँ कि शायद लाखों आदमी आए और लाखों आदमियों को जब वो आएंगे तो उनका हमने जिस प्रकार से मकर संक्रांति का दिन है उनके लिए चूरमा हलवा हर प्रकार की सुविधा देने का काम किया है। 13 तारीख को भी हम पूरे इलाके के अपने महेंद्रगढ़ जिला के जितने भी जिला प्रसिद्ध हैं, जिला प्रमुख हैं, ब्लॉक समिति के चेयरमैन हैं, ब्लॉक समिति के मेंबर हैं और आपके
सरपंच हैं, पंच हैं, उनको भी सम्मानित करेंगे। और हमारे जो रिटायर मिलिट्री से या किसी भी डिपार्टमेंट से रिटायर होकर के उनको भी सम्मानित करेंगे। और 60 साल के ऊपर का मेरी माता या बुजुर्ग आएगा उसको भी सम्मानित करेंगे। 13 तारीख को भी हम तकरीबन 15,000 आदमियों का खाना 13 तारीख को बना रखा है, बड़ा जोर शोर से मनाने का काम करेंगे इस साल। ये मैं आपकी नोटिस में बताना चाहता हूँ। तो जिस प्रकार से आए साल कभी कभी एक साल में दो दो स्कूल खोल रहे हैं, तो आने वाले समय में लगता है देश के हर जिले में ये दोनों से स्कूल होगा। मैं तो यही समझता हूँ कि जहाँ कृष्ण भगवान का परचम एक इस भारत देश में नहीं दुनिया में उसका परचम लहराया था, तो यदुवंशी मेरी अपनी नहीं है, ये यदुवंशी कृष्ण भगवान की है, तो इसका हर जगह परचम लहराए, ऐसी मैं भगवान से। तो जैसे कार्यक्रम 15 तारीख को है, तो उसके लिए आप हर गांव 14 तारीख को 14 तारीख तो हर गांव गांव जाके लोगों को बता रहे हैं, न्योता दे रहे हैं। बिल्कुल, मैं जहां तक के मेरे से कवर होगा, चाहे मैं दादरी की बात करूं जिले की, चाहे मेंदड़ जिले की बात करूं, चाहे आपके रेवाड़ी कोसड़ी की बात करूं, और चाहे झज्जर की बात करूं, मैं इन गांव में होकर के आया हूं और लोगों में बड़ा उत्साह है। मेरे ख्याल में इसलिए मैं कह सकता हूं कि अब की बार हम ही अपना रिकॉर्ड, हम दादरी का और आपके मंदोला का रिकॉर्ड हम ही तोड़ने का काम करेंगे, ऐसा एक भव्य प्रोग्राम होगा। और मैं एक बात और बताना चाहता हूं, शायद मैं कोशिश करूंगा कि मैं हर घर तक पहुंचूं, लेकिन बाई दफा मेरी सभी भाइयों से, मेरे बुजुर्गों से, मेरी माता और बहनों से मेरी प्रार्थना है कि मैं अगर नहीं भी पहुंच पाऊं तो मेरे को अपना बेटा भाई मान करके मेरा निमंत्रण स्वीकार करना और इस प्रोग्राम में आकर के मुझे आशीर्वाद देने का काम करना।